किया था। तो सबसे पहले एक बार लास्ट क्लास की अगर मैं बात ही करूं, चलो भाई साहब थोड़ी लास्ट क्लास की बात कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट क्या होता है कि जब कभी भी कोई भी, ये काम बेसिकली फैक्ट्री के अंदर होता है, जब कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोडक्ट को जब बनाता है तो वो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस, दूसरे प्रोसेस से तीसरे प्रोसेस, यानी किसी प्रोडक्ट को बनाने में कई प्रोसेस से निकलने के बाद जो एंड में निकलता है उसे हम बोलते हैं फिनिश गुड्स। उसके बाद जब कभी भी प्रोसेस बन जाता है, उसके बाद एंड में जाके हमारा क्या होता है, वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस से सोल्ड आउट हो जाता है। तो प्रोसेस वन के अंदर हमारा क्या रहता है कि हम सबसे पहले कुछ इनपुट डालते हैं। इनपुट क्या होता है? हमारा रॉ मटेरियल वगैरह जो भी डल गया, और एक यूनिट डालेंगे। यूनिट या तो केजी में डलता है या फिर आपका रुपी, या तो टन में डलेगा या जो भी वट एवर यूनिट दे रखा हो। इसके बाद क्या करते थे हम, नेक्स्ट प्रोसेस पे जाते थे। नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर फिर से वही वाला जो पिछले प्रोसेस का यूनिट था वो अगले में ट्रांसफर हो जाता था। और उसके बाद फिर देखा जाए, अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं तो आपको कुछ फॉर्मेट समझ में आ जाएगा सर। फॉर्मेट में क्या देखा था? फॉर्मेट कहाँ गया भाई? फॉर्मेट तो यही बनाया था ना। अच्छा, वो दूसरे वर्ड पे था। फॉर्मेट में ये था कि हमारा ये प्रोसेस अकाउंट है। प्रोसेस अकाउंट में क्या करते थे हम, एक प्रोसेस ए और प्रोसेस बी बनाना है। कोई भी मटेरियल लगा यहाँ पे, कोई भी वेस्टेज लगा यहाँ पे, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगा यहाँ पे। इसके बाद इस साइड में क्या आएगा? नॉर्मल लॉस, वेट वेट लॉस और ये सारी चीजें। सेम जो यहाँ से प्रोसेस में जाएगा वो दूसरे प्रोसेस में यहाँ पे पहुंच जाएगा। मैं यही कहूंगा कि पुरानी वीडियो देखें आप, लास्ट क्लास वाली, तो ज्यादा बेहतर रहने वाला है। सर विल यू डू लास्ट क्वेश्चन द वे? हाँ, अभी जो लास्ट क्वेश्चन में होमवर्क में दिया था मैं अभी करने वाला हूँ, मैं सारे क्वेश्चन करूँगा। चलिए, तो पिछली क्लास देखेंगे ना तो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको प्रोसेस की। एक ये क्वेश्चन दिया था और ये वाला करने वाले हम प्रोसेस में, और आज नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस और कुछ क्वेश्चंस और भी करेंगे, ध्यान दीजिएगा। और जो बच्चे कंसंट्रेट करके करेंगे ना, बीच में से कुछ कुछ पॉइंट पूछते जाएंगे, तो मेक श्योर, मैं ये बोलता हूँ कि आपका कवर अप भी हो जाएगा इसमें। ऐसी बात नहीं है कि कवर अप नहीं होगा, कवर अप हो जाना है यहाँ पे, ठीक है ना? चलिए, अहो इसको थोड़ा सा हम स्पेस को कर लेते हैं रिड्यूस। चलो भाई, तीन प्रोसेस है बेसिकली, और आइटम ज्यादा है नहीं, तो छोटे छोटे से प्रोसेस बना लेते हैं तीन, इतने छोटे छोटे। एक यूनिट, टिक 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 टिक, चलिए जी। पर्टिकुलर, यूनिट, अमाउंट, यूनिट अमाउंट, प्रोसेस। सर कितने प्रोसेस बनाएंगे? सर तीन बनाएंगे, एक और, चलो जी तीनों यही बन गए है ना, और इसको इधर कर देते हैं।
क्वेश्चन विजुअल है बता दे फटाफट से। इलस्ट्रेशन 8.6 वही करने जा रहे हैं। चलिए, क्या कहता है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग द कॉज प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग, आपको गिवन है ईच प्रोसेस का। एक हमारा ए प्रोसेस है, बी प्रोसेस है और सी प्रोसेस है, ठीक है। वेजेस एंड मटेरियल आपका दे रखा है यहाँ पे, और कितने का दे रखा है हमारा 60,800। तो प्रोसेस वन में हम डालेंगे वेजेस एंड मटेरियल 60,800। इसके बाद आगे देखा जाए तो वर्क ओवरहेड कहता है 11,200। वर्क ओवरहेड और कहता है यूनिट जो प्रोडक्शन होगा वो 72,000 यूनिट प्रोडक्शन होगा। तो सिंपल सी बात है, आपने 72,000 यूनिट अगर प्रोडक्शन हुआ है तो आपने इनपुट में भी 72,000 डाला होगा ना यूनिट। सर कोई भी नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस की कहानी है ही नहीं। ओके, तो बाकी का हम कहां भेजेंगे? भेज देते हैं बाय प्रोसेस। प्रोसेस हम बी में भेज देते हैं ना। चलिए बी में टोटल कॉस्ट कितने हो गए? 72,000 और कर देते हैं काम। यहां पे आ जाना है टू प्रोसेस ए, सर कितने? और 72,000। ईच प्रोसेस पास ऑन नेक्स्ट टिल कंप्लीशन, ये लाइन कहता है, तो इसलिए मैं अगले प्रोसेस में लेके गया हूं। अब अगर मैं यहां आपसे पूछूं कि बताइए यूनिट कॉस्ट क्या आएगा, यूनिट कॉस्ट कौन बच्चा बताएगा? 72,000 की कॉस्ट 72,000 रुपए यूनिट, यानी 1 रुपए। सर इसके अंदर कहता है ना, इस वाले प्रोसेस में ना ओपनिंग स्टॉक भी है। कोई बात नहीं सर, ओपनिंग स्टॉक ले लो। टू ओपनिंग स्टॉक कितने हैं? 8,000। लेकिन ये रुपए नहीं है, दैट इज यूनिट, ये क्या है? तो सर ये 8,000 यूनिट कितने का होगा? तो जो हमारा पिछला प्रोसेस का जो पर रुपए यूनिट निकल के आया होगा ना, क्योंकि स्टॉक यहीं से बन के बच रहा होगा, वही मान लेंगे हम, एक अजम्पशन है। तो 1 रुपए के हिसाब से ही मान लेंगे इसको, क्योंकि ये 1 रुपए यूनिट बन रहा था, तो 8,000। और क्लोजिंग स्टॉक भी कह रहा है ये, तो क्लोजिंग स्टॉक को भी वही मान लेंगे। सर क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 2,000। तो ये भी 2,000 रुपए, 1 रुपए के हिसाब से मल्टीप्लाई किए हैं। चलिए सर, और क्या क्या लगा इसके अंदर? इसके अंदर लगा वेजेस एंड मटेरियल, वेजेस एंड मटेरियल लग गया नया माल, 24,000 का माल लग गया भाई साहब। और क्या लग गया हमारा? वर्क ओवरहेड कितने का? 10,500। टोटल कर लेते हैं 80,000। जल्दी जल्दी करो, 80,000 कितना आ रहा है? 72,000, 8,000, 1,29 कहाँ, 1,14,500 आ रहा है, 1,14 सही है ना, 1,14,500, 1,14,500। अब जाएगा बाय नेक्स्ट प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस में कितने यूनिट जाएगा आप खुद अंदाजा लगा लो। 78, 2,000 माइनस कर दो, 11,2,500। अब इसका बताओ पर यूनिट कॉस्ट क्या होगा? 1.444 समथिंग, 4,4,2,3,
थ्री। वन पॉइंट फोर फोर। चलिए अगेन यहां पे आ जाएगा हमारा टू, प्रोसेस बी, प्रोसेस बी से कितने आए 78 कॉस्टिंग। अब 1.44 आ रहा है, 1.45 ले लो या 44 लेके कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे भी ओपनिंग स्टॉक है कितने का सर, चैप्टर 9 है, प्रोसेस अकाउंट है, कॉर्पोरेट में कौन सा चैप्टर चल रहा है। चलिए इसके बाद क्या आएगा भाई, नया चैप्टर प्रोसेस की दूसरी क्लास है ये, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में कितने यूनिट थे 33,000। 33,000 इनटू में आप किससे करोगे 1.44 से। और इसके ऊपर मैं स्टार भी बना देता हूं, इसके ऊपर और भी बहुत डिटेल जानकारी बाद में है। 47,520 बाय साइड में क्लोजिंग, क्लोजिंग कितने हैं 11,000। 11,000 इंटू में 1.44 15,840। चलिए सर कुछ मटेरियल लगा लें, वेजेस एंड मटेरियल 58,500। जिनको देखने में दिक्कत है ऊपर कर देते हैं। इसके बाद टू, वर्क ओवरहेड 12,000। लीजिए सर प्रोडक्शन कौन सा, प्रोडक्शन ही तो हो रहा है, कितने यूनिट कर रहा है प्रोडक्शन। अच्छा ऊपर वाले में एक गड़बड़ी हो गई, प्रोडक्शन यूनिट को ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, चलो ये यूनिट मेरे दिमाग से निकल गया। इसका मतलब सर ये तो ठीक है, ये गलत हो गया, यहां पे प्रोडक्शन आएगा। कहता है कि प्रोडक्शन जो हुआ ना हमारा वो हुआ 75,000। सर प्रोडक्शन 75,000 हुआ तो हम कह रहे थे लगाया 80,000 और प्रोडक्शन हुआ कितना, और कह रहे हैं 2,000 बचे हुए हैं, तो मतलब तुम्हारे पास 77,000 का हिसाब किताब है। समझना, इस चीज को समझना जरूरी है। हमने लगाए, हमारे टोटल कितने यूनिट थे 80, 80 में से कह रहे हो कि बना के निकाल लिए हमने, प्रोडक्शन जो करें कितने कर लिए हमने 75,000, हमने यूनिट कितने प्रोड्यूस किए, और बोल रहे हो कि हमारे पास बचा हुआ भी है, कितना बचा हुआ है हमारे पास 2,000। इसका मतलब वेरी वेरी सिंपल, आप दो क्वेश्चन यहां पर रेज होता है, यहां पर दो बातें आती है कि आपने टोटल 75,000 यूनिट बनाए, इसमें से कह रहे हो कि बच गया तब तो अलग बात है। अगर आप कह रहे हो कि बचा हुआ यूनिट मेरा 2,000 अलग से है, इसका मतलब आपके पास हिसाब किताब जो है वो 77,000 का है। आपके पास जो हिसाब किताब है, एक मिनट, माइनस, बनाइए 2,073 माइनस 2,073। क्वेश्चन कंप्लीट एक बार देखना, दो 78 बने 75, तीन का लॉस और बिका कितने का, कितने का स्क्रैप बिक रहा है देखना है, स्क्रैप दिखाओ कितने का बिक रहा है, 96. नहीं बिक रहा स्क्रैप। चलो पूरा क्वेश्चन है ये,
चलिए ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। पहले मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहता हूं, इसको आगे बढ़ने से पहले, क्या आपको ये वाला अकाउंट हर बच्चे को क्लियर है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। ये जितना डेटा फिल किया है ये क्लियर है, हाँ या ना में जवाब दीजिए, क्लियर है। इसके बाद अगली कहानी आती है जो कि है प्रोडक्शन का। तो क्वेश्चन में हमारे पास ओपनिंग में कितना था, ओपनिंग में था 8000, बोलो हाँ। और इसके अंदर आपने कितने यूनिट इनपुट डाले, पीछे से इनपुट आया था ना 72 का, तो इनपुट डाले आपने कितने 72000, बने कितने आपके, और आप कह रहे इसमें से 75 का तो बनाया और 2000 रुपए पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब 2000 पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब आप सामान को बनाने में कामयाब हो गए पाए 77, यानी 80000 के इनपुट, 80000 किलो सामान डालने के बाद आप सिर्फ कितना बना पाए 77000। तो बीच का जो डिफरेंस आया ना वो नॉर्मल लॉस माना जाएगा, और नॉर्मल लॉस जो है वो कितना हो जाएगा हमारा 3000, जो कि चला जाएगा 0 रुपए का, तो कितने जाएंगे 75000, 75000 कितने बच जाएंगे 1,12,500। अब यहाँ पे जो है बस ट्विस्ट में चेंज ये है, ये आ जाएगा हमारा 75000। रेट क्या आ रहा है चेक करिए, अब रेट बता दो, डेढ़ रुपए है सर, अब यहां पे भी 1.5 रुपए से मल्टीप्लाई होगा 33000, तो ये भी थोड़ा चेंज हो जाएगा 49,500, और ये भी 1.5 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आ रहा है 75 ही तो लिखा है यहाँ पे, हाँ ये भी चेंज कर रहे हैं, कर रहे हैं धीरे धीरे कर रहे हैं ना, सारा सब कर रहे हैं, चिंता हो रहा है। ये कितना आ गया, कोई बच्चा पूछेगा रेट क्या है, 1.5 से लिया है और 1.5 यहां से आया है, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करा 1.5 से, ध्यान रखिएगा। अब आगे की कहानी देखते हैं, आगे हमारे पास फिर से क्या कहता है, फिर से कहता है कि भैया 75000 यूनिट तो शुरू में ही थे, पीछे से आया, और 33000 यूनिट आपके पास पहले से थे, तो 75000 और प्लस 33000 यूनिट 1,08,000 होने चाहिए, कितने होने चाहिए 1,08,000। अगर आपके पास 1,08,000 होने चाहिए, जिसकी कीमत कितनी बनती है हमारी 232,500, 1,08,000 होना चाहिए और उसकी कीमत है 232,500। अब आपका कहना है सर लेकिन हमारे पास जो प्रोडक्शन हुआ सिर्फ 96,000 हुआ, लेकिन हम 11,000 बचा भी चुके हैं। अच्छा आप 96,000 का प्रोडक्शन कर देते हो 1,08,000 में से, तो मतलब सर 12,000 आपके बनने चाहिए, लेकिन आप कह रहे हो क्लोजिंग में कितना है 11,000, तो नॉर्मल लॉस हो जाएगा 1,000, जिसकी बारे में बताया नहीं कितने का बिकेगा, तो जीरो का बेचना है, इसलिए मैंने डैश लगा दिया। और बाय कहता है टिल फिनिश, अब इसे लिखेंगे FG, क्योंकि इससे आगे तो कहीं जाएगा ही नहीं, तो FG में कितने आएंगे 96, और उसकी कॉस्टिंग जो आएगी 232,500 माइनस में 16,500, 2,16,000, दैट्स इट। इसका भी पर यूनिट कॉस्ट निकालना चाहते हो तो 2,16,000 डिवाइडेड बाय 96,000, तो मैं बता देता हूँ 236 आ रहा है, हैं बहुत ज्यादा आ गया, तो 96,000 मैंने 9600 से कर दिया, 2.25, मेरी कैलकुलेशन गलत। वेट लॉस लिख लो भाई, अब देखो वेट लॉस भी लिख सकते हो, नॉर्मल लॉस भी लिख सकते हो, कुछ पता नहीं है तो जो मैं दोनों में से कोई भी यूज करो, स्क्रैप में बिकना है नहीं। सर 75,000 यूनिट वाले कॉलम में क्यों, समझ में नहीं आया। देखिए मैं सिंपल सी बात करता हूं, एक बार दोबारा बता देता हूं पूरा क्वेश्चन ना, दोबारा समझा देता हूं, इसको मिटा देते हैं और फिर इसको एक बार फिर से कर लेते हैं, पूरा नहीं मिटाऊंगा मैं, सिर्फ जितना जितना पार्ट है क्वेश्चन पढ़ पढ़ के मैं बताता जाऊंगा। चलिए सर क्वेश्चन में कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर कॉस्ट प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग,
प्रोडक्शन ईच प्रोसेस पास नेक्स्ट, बोलता है इस प्रोसेस का इस प्रोसेस में जाएगा, इस प्रोसेस का इस प्रोसेस में जाएगा, ओके okay. कहता है पहले प्रोसेस में इतने रुपए का खर्चा लगा, जो कि मैंने यहाँ पे लगा दिया, अगर आपको दिख रहा है तो, बाकी मैं साइज थोड़ा रिड्यूस कर देता हूँ. अच्छा ये सभी पे ये अप्लाई हो गया. एक मिनट चलिए. हाँ तो इस प्रोसेस में ये रहा, तो मैंने यहां पे लिख दिया ये रहा. इसके बाद कहता है एक और खर्चा आया, ये भी लिख दिया मैंने. इसके बाद कहता है हम यूनिट बनाने में कामयाब हो पाए सिर्फ 72,000, तो 72,000 यूनिट इनपुट में डाल दिया. तो टोटल ये था, टोटल ये था, टोटल ये. तो हमने क्या करा, एक अंदाजा निकाला कि इतने रुपए का अगर कॉस्ट पड़ रहा है तो एक यूनिट की कॉस्ट 1 रुपए आएगी. अगले प्रोसेस में गए तो इससे यहां से यहां उठा के लाए प्रोसेस बी को, कि 75,000 यूनिट. अरे हाँ ज्यादा नीचे आ गए. यहां से यहां आया 72,000 यूनिट, 72,000 रुपए का. इसके बाद सवाल में क्या कहता है, ओपनिंग स्टॉक भी था 8,000. मैंने ओपनिंग स्टॉक भी लिख दिया. सर ओपनिंग स्टॉक 8 था तो 1 रुपए से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि जो पिछला रेट आ रहा होगा वो आगे लेके चले जाते हैं. 8,000. कहता है सर क्लोजिंग भी 2,000 है. मैंने लो जी क्लोजिंग भी लिख दिया, वो भी 1 रुपए से मल्टीप्लाई कर दिया. अब सवाल में क्या कहता है कि हमने यहां पे सिर्फ 75,000 यूनिट बनाए हैं और 2,000 बचाए हैं, तो मतलब भैया यहां पे तो 80,000 यूनिट बनना चाहिए, आपने 75 बनाए हैं, तो इसका मतलब सर आपके 5,000 बचने चाहिए. लेकिन आप कह रहे हो 2,000 बचाए हैं, तो मतलब 3,000 रुपए का आपने क्या कर लिया, नॉर्मल लॉस कह लो, वेट लॉस कह लो, कुछ भी कह लो. अब ये 3,000 कितने का बिकेगा, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो 0 रुपए का बेच के खत्म कर दिया हमने. और इसके हिसाब से यहां का जब मैंने न्यू रेट निकाला तो न्यू रेट 1.5 आ गया. 1.5 के हिसाब से मैंने फिर अगले प्रोसेस में लेके आए, यानी यहां 75,000 यूनिट बन पाया, अगले में लेके आए 75,000 यूनिट, और ओपनिंग स्टॉक को भी 1.5 से मल्टीप्लाई किया, क्लोजिंग को भी 1.5 से मल्टीप्लाई किया. यहां पे देखा कि भैया बनने 98 थे और बने 96, तो 12,000 रुपए का क्लोजिंग होना चाहिए, लेकिन आप कह रहे थे कि 11,000 ही है, तो 1,000 का नॉर्मल लॉस यहां भी आ गया और उसके हिसाब से मैंने इसको कर दिया. ठीक है बढ़ जाए आगे. सर ओपनिंग और क्लोजिंग प्रोसेस एक का नहीं होता कभी, क्या कह रहे हैं बच्चे, समझा नहीं मैं. इसका नाम बोल रहे हो क्या आप, ए बी और सी? ओपनिंग क्लोजिंग एक का नहीं होता कभी, पता नहीं क्या बोला. क्लियर, चलिए शायद कह रहे हैं ओपनिंग क्लोजिंग. और इस वाले पे जो बच्चों को कंफ्यूजन है ना, जिन बच्चों ने थोड़ा पढ़ा हुआ है, इसके ऊपर स्टार यहाँ पे ना लीफो फीफो लगेगा, अभी बाद में अभी आएंगे क्वेश्चन, वहां पे लीफो फीफो वेटेड एवरेज सब लगेगा यहाँ पे अभी.